एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी हम लोग जा रहे हैं गंगा आरती के लिए। कल आपने कल या परसों के ब्लॉग्स में आपने देखा था, मैंने बोटिंग करते हुए घाट देखा और अब हम लोग अपनी आंखों के सामने देखेंगे। एंड और बाकी सारी बातें वहां जाके करते हैं। वहां पे बहुत सारे घाट हैं, घाट कितने हैं, क्या हैं, ये सब भी मैं आपको आगे वहीं जाके बताऊंगी। बहुत ज़्यादा मज़ा आया लोगों से मिलकर और अभी बस खाने पीने का भी मन कर रहा है, पर अब सीधा घाट पहुँच के ही कुछ खाया पिया जाएगा। अभी हम लोग खा रहे हैं भेलपूड़ी, भैया बना रहे हैं भेलपूड़ी मस्त वाला। और ये आपको गदोलिया चौक में ही मिल जाएगा भेलपूड़ी वाले भैया। रेडी, अब हम लोग खाते खाते जाएंगे और आरती एंजॉय करेंगे। मैं खा रही हूँ और मम्मी खा रही हैं। चलो चलो, 100 रुपए का चार, 100 रुपए का चार। यहाँ पूरा मार्केट लगा हुआ है। अभी हम लोग गंगा आरती के लिए निकल रहे हैं। चौराहे पे खड़े हैं, ये तत्काल अपना रिक्शा डालें। तो हम लोग घाट के आसपास पहुंच ही गए हैं एंड आई कैन सी द रिवर। घाट है, सब घाटों के अलग अलग नाम है, अलग अलग राजाओं का बना हुआ घाट है। ये दशाश्व में घाट है, ये राजा दशरथ है जो राम के पिताजी, उनका घाट है। ये 10 अश्वमेध हुआ था यहाँ पे, उन्होंने करवाया था, इसलिए इसका दशाश्वमेध नाम। और कोई इसकी खासियत? अभी मैंने सुना 4 घाट और आए हैं, नाम जुड़े इसमें? नहीं, 4 घाट नहीं, जो पुराना है वही, कोई घाट नया नहीं आया। ये बड़ा वाला मंदिर है प्रयाग घाट का है, जो इलाहाबाद में खिचड़ी के दिन नहाते हैं, मकर संक्रांति वाले दिन वो यहाँ नहाते हैं, सेम उनका फल मिलता है जो वहाँ नहाए या यहाँ नहाए, बराबर प्रयाग घाट है। ऐसे ही बहुत बगल बगल ये शीतला माता का है घाट है, शीतला माता मंदिर है लाल वाला। और सर इसी तरह बगल में अहिल्याबाई घाट है, ये पूरा कोठी जो देख रही है, अहिल्याबाई इंदौर की रानी होलकर उनका घाट है, ये अहिल्याबाई इंदौर की रानी अहिल्याबाई घाट है, ये अहिल्याबाई होलकर का नाम। ये काशी विश्वनाथ जी का स्थापना इन्हीं ने किया था, जो काशी विश्वनाथ जी है ना, यही शिवलिंग की स्थापना की थी, तभी से उनका पूजा हो रहा है अहिल्याबाई होलकर। तब से मतलब कितना साल पुराना बात हो गया ये तो इतना जानकारी नहीं है, मगर है बहुत पुराना है। और पंजाब के राजो गोल्डन उसमें लगा हुआ है, 22.5 मन गोल्डन लगा हुआ है, पंजाब के राजा रणजीत सिंह ने दान किया था उसमें। अच्छा, तब तो बहुत पुरानी बात हाँ। यहाँ पे घाट में होती है आरती। आज कोशिश करूंगी मैं आपको यहाँ से घाट की आरती दिखाने की। बस अभी हम लोग घाट में बैठे हुए हैं और पूजा का इंतजार कर रहे हैं और साथ में हम पी रहे हैं यहाँ पे हमारा फेवरेट लेमन टी, जो यहाँ पे बहुत अच्छा था, वाकई गर्मा गर्म है, मस्त है। और आई एम एक्चुअली एक्साइटेड कि आई एम गोना विटनेस दिस लाइव, सो अच्छी बात है। तो यहाँ पे लाइट ऑन हो चुकी हैं जो काफी खूबसूरत लग रहा है एंड ये देखिए काफी सुंदर लग रहा है घाट और साथ में ये गंगा आरती। इस चीज को महसूस करने के लिए आपको यहाँ आना ही चाहिए, बहुत अल्टीमेट एक्सपीरियंस है।
तो गंगा आरती यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली 6:30 से 7 के बीच में होती है। अगर आपको जल्दी दर्शन करना हो, सामने से लेना हो, तो आपको जल्दी आना पड़ता है, नहीं तो यहाँ पे क्राउड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सो हम लोग कोशिश किए जल्दी आने की एंड हम लोग अभी सामने ही बैठे हुए हैं। सो लेट्स सी कि हमारी आरती कैसी होती है, हम क्या करते हैं, कैसा रहेगा, ये सब मैं आपको यहाँ पे लाइव दिखा दूंगी। तो अभी दर्शन का लाभ लीजिएगा। इंतज़ार इंतज़ार इंतज़ार, और शाम जैसे जैसे ढल रही है, घाट का नज़ारा ही एकदम अलग सा है, बहुत ही ज़्यादा भक्तिमय वाला है, और पीछे ऑडियो चल रहा है। सो और हमारी मम्मी को फोन में पता नहीं क्या है, फोन में क्यों हो मम्मी, अपना बिजनेस बढ़ा रही हैं। क्राउड बढ़ती जा रही है, लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब मुझे इसी प्रकार से आना पड़ रहा है, मम्मी तो इंटरेस्टेड ही नहीं है कि मुझे वीडियो में ले ले, तो मैंने सोचा खुद को ही ले लेती हूँ कि मैं भी गंगा आरती में थी, मैं सिर्फ वीडियो नहीं बना रही थी, मैं भी थी। एंड दिस इज द क्राउड, सब लोग मेरे पीछे हैं, और वहाँ पे अगर आप पीछे देखें तो जितने भी ब्राह्मण पूजा करेंगे वो अभी तैयार हो रहे हैं, पूजा घाट में तैयारी शुरू हो गई है, और शाम के 6 बज चुके हैं। अभी होने वाली है आरती शुरू, I'm not afraid of the dark.
उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, गंगा आरती देख के आपको भी बहुत अच्छा लगा हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ आपसे कल एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई मस्ती के साथ। तब तक क्या करना है आपको पता है ना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, साइड में छोटा वाला बेल आइकन है उसे प्रेस कर देना है ताकि लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स आप तक टाइम पे पहुंच जाए। एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए चलते हैं और कल मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड हर हर महादेव। तो अभी हम लोग फिर से पीने वाले हैं लेमन आइस टी।